आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 6। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस और ये वर्कशीट है 7th क्लास के लिए। आज हमारी डेट है 14th अक्टूबर 2020। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक जो है, जो इसका टॉपिक है, इसकी जो हेडिंग है, इसने अपने आप ही क्लियर कर दिया कि ये टॉपिक है क्या। इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसका हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमें बताया जाएगा। जो तारों में से करंट पास होता है वो भी हीटिंग करता है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। स्नेहा है सीन हर मदर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटर फॉर कुकिंग फूड एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन फॉर स्ट्रेटन हर क्लोथ्स। स्नेहा देखा है कि उसकी मम्मी इलेक्ट्रिक हीटर यूज करती है खाना बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक आयरन यूज करती है अपने कपड़े को प्रेस करने के लिए, मतलब अपने कपड़ों को स्ट्रेट करने के लिए। शी थॉट व्हाई माय मदर यूजेज एन आयरन एंड इलेक्ट्रिक हीटर। वो सोचती है कि मेरी मम्मी जो है वो आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर क्यों यूज करती है। हाउ डू दे वर्क, वो काम कैसे करते हैं। रवि हर ब्रदर एक्सप्लेन दैट दिस हैपेंस ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। रवि जो उसका भाई है वो उसको बताता है कि ये जो है हीटिंग करंट, जो हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, उसकी हेल्प से होता है। आप लोगों ने अपने घरों में ये तो देखी होगी इलेक्ट्रिक आयरन, ये जो प्रेस है, या किसी के घर में इलेक्ट्रिक हीटर होगा, या हेयर ड्रायर देखा होगा किसी ने, इलेक्ट्रिक केटल देखी होगी किसी ने, इलेक्ट्रिक रॉड देखी होगी जब ठंड में गर्म पानी करने के लिए, टोस्टर देखा होगा किसी ने, कुछ ना कुछ तो इनमें से कोई ना किसी ना किसी ने देखा ही होगा। तो ये सब जो है ये हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है जो उसके अंदर आपने देखा होगा वायरिंग होती है, जैसे अभी इस वाले इलेक्ट्रिक हीटर की फोटो है, ये वाली, इसके अंदर आपको दिखा ये येल्लो येल्लो जो इसके अंदर दिख रहा है, ये येल्लो येल्लो जो है ये वायर है, इसके अंदर से करंट जा रहा है तो ये हीट हो जाती है, ये हीट हो जाती है, इसलिए हीट देती है तो इसलिए खाना बनता है इसके ऊपर। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक आयरन होती है, आयरन के अंदर इसमें वायरिंग होती है, ये वायरिंग जो होती है एक तरीके की, इस वायरिंग के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये गर्म हो जाती है और नीचे से प्रेस जो है वो, मतलब जो इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो गर्म हो जाती है और उसके बाद हमारे कपड़ों पे स्ट्रेट कर देती है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू अ वायर द वायर गेट्स हीटेड, इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने अभी आपको यही बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर से होता हुआ जाता है तब वो वायर को गर्म कर देता है और वही चीज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। एग्जाम्पल, व्हेन वी स्विच ऑन द गीजर वाटर बिकम्स हॉट। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोगों के घरों में, किसी ना किसी के घर में आपने गीजर देखा ही होगा, जब गीजर को ऑन करते हैं और गीजर ऑन करने के बाद आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद ही पानी जो है वो गर्म आने लगता है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और ये जितने भी आपको मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, ये जो हमारी पूरी फोटो बनी हुई है, ये पूरी पूरी फोटो सबके सब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोर अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वायर्स मेड फ्रॉम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। हम आपको बता दें, ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसके अंदर एक तरीके की तार होती है, ये आपको बीच में दिख रहा है, ये एक तार है। ये तार जो होता है एक अलग स्पेशल मटेरियल की तार होती है। ये ज्यादा जब इसमें करंट पास होता है, जैसे लिमिटेड ये वायर्स जो होती हैं लिमिटेड करंट पास करने के लिए बनी होती हैं। जैसे ही ज्यादा उस लिमिटेड करंट से ज्यादा करंट इसमें किसी भी चीज में पास होगा तो ये वायर जो है ये पिघल के टूट जाएगी और जो करंट जो है वो पास होना बंद हो जाएगा, जिससे कि आपके जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा या जो भी चीज में इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज हो रहा होगा वो चीज खराब होने से बच जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बताया गया अभी, जो मैं आपको बताता हूं उसी बारे में। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। वही मैंने अभी आपको बताया था,
कि एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो होता है ये हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लगने से या हमारे मान ली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब होने में या किसी भी तरीके का डैमेज होने से बचाता है। ये एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस होता है। अभी मैं आपको इसके बारे में आगे भी समझाऊंगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर दोबारा अगर रिपीट करता हूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके लिए जो हम ये वीडियोस बनाते हैं ये वीडियोस आपको हेल्पफुल रहें, आप अपनी वर्कशीट जो है वो इजीली कर सकें। शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर वन, मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। हमें हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है वो बताना है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के नाम। ये जो हमारी फोटो थी यहाँ पे जो पूरी बना हुआ इमेज, इसमें जितने भी अप्लायंसेज हैं सभी में हीटिंग करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है। तो इन्हीं में से किसी 5 का हम नाम लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक रॉड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड वी नॉट टच अ लाइटेड बल्ब। अगर बल्ब जल रहा है आपको उसे टच नहीं करना चाहिए, क्यों? इसका आंसर अभी मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको समझा देता हूं। इसका आंसर यह है कि अगर आपने उस बल्ब को टच किया तो पहली बात तो हीटिंग जो अफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो उस बल्ब में भी होता है। जब बल्ब जो है, बल्ब का जो पोर्शन होता है, जो ब्राइटन, जो ब्राइट हो रहा होता है, जो चमक रहा होता है, वो जो पोर्शन होता है वो बहुत गर्म हो रहा होता है, बहुत गर्म। अगर आप उसको छूएंगे तो आपका हाथ जल सकता है या फिर आपको करंट भी लग सकता है। इसका आंसर है वी शुड नॉट टच अ लाइटेड बल्ब बिकॉज इट कैन बर्न अवर हैंड्स और कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में यहां पर समझाया था, अब मैं दोबारा बता देता हूं। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। इलेक्ट्रिकल फ्यूज की एक फोटो मैंने यहां पर लगाई है, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है। वो फोटो क्लियर नहीं थी तो मैंने ये फोटो यहां पर लगाई है, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है। इसमें आपको दिख रहा होगा बीच में एक ये वायर जा रही है, ये आपको वायर दिख रही है यहाँ पे, ये वायर, ये बीच में जो वायर जा रही है, ये वायर जो होती है, ये वायर एक अलग मटेरियल से बनी होती है। जब ज्यादा क्या कहते हैं, जब ज्यादा करंट पास होता है तो ये वायर जो है वो पिघल के टूट जाती है और हमारा जो भी अप्लायंसेस होता है वो खराब होने से बच जाता है, आग लगने से बच जाती है। इसी तरीके से ये तो एक तरीके का इलेक्ट्रिकल फ्यूज आपको दिखाया गया है इसमें, इसी तरीके से बहुत सारे तरीके के इलेक्ट्रिकल फ्यूज होते हैं। ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज है और बहुत सारे तरीके के इलेक्ट्रिकल फ्यूज होते हैं। आपके अपने घरों में भी आप बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीजों में बहुत सारे तरीके के इलेक्ट्रिकल फ्यूज का इस्तेमाल होता है। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिकल फ्यूज का इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियोज होंगी वो आपको, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।